सो गाइस, फाइनली आ चुका है ये वाला वीडियो, जिस वीडियो में हम बात करेंगे लियोन और टोबियस के बारे में, जिनको आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है, लिटरली कोई भी हरा नहीं पाया है। और जब इन पावरफुल दो बंदे का बैटल होगा तो वो बैटल तो धमाकेदार होगा ही होगा। सो आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर लियोन और टोबियस के बीच हुआ बैटल तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। और पहले ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। सो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन। लियोन और टोबियस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर है। जहां लियोन गलार रीजन का चैंपियन है, वही टोबियस सिन्हो रीजन का चैंपियन रह चुका है। जहां टोबियस का सिग्नेचर पोकेमॉन है उसका डार्क राय, जिसकी मदद से वो सारे पोकेमॉन ट्रेनर को धूल चटा देता है, वही लियोन का सिग्नेचर पोकेमॉन है चारिज़ार्ड, जो जिगंटामैक्स फॉर्म में आ सकता है। और चारिज़ार्ड भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर हम लियोन की पोकेमॉन टीम के बात करें तो लियोन के चार पोकेमॉन को अभी रिवील किया गया है, जो कि है उसका चारिज़ार्ड जो जिगंटामैक्स फॉर्म में आ सकता है, एंड है ड्रैगापल्ट, हेक्सारस और एजिस्लैस। एंड लियोन के सारे पोकेमॉन का ही अपना अपना एबिलिटी है, एंड सारे पोकेमॉन ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वही अगर हम टोबियस के पोकेमॉन टीम को देखें तो इसके पोकेमॉन टीम में अपना डार्करई है, एंड मिथिकल पोकेमॉन लैटियोस है, और है और कोई भी नहीं बता सकता टोबियस की टीम में कौन है, क्योंकि टोबियस पोकेमॉन के मिस्टीरियस कैरेक्टर में से एक है। इसके अलावा टोबियस के बारे में और कुछ भी जानकारी नहीं है, तो इस टॉपिक पे तो हम और किसी वीडियो में बात कर ही सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं टोबियस और लियोन के बैटल में आखिर जीतेगा कौन। तो इसके लिए जानना पड़ेगा हमें कि लियोन के चार पोकेमॉन से कौन कौन पोकेमॉन टोबियस के डार्करॉय और लैटियोस को हराने के काबिल है, यानी कौन कौन हरा सकता है। लियोन के कितने पोकेमॉन टोबियस की पोकेमॉन को हरा सकते हैं, एंड टोबियस के कितने पोकेमॉन लियोन के पोकेमॉन को हरा सकता है, तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि बैटल में जीतेगा कौन। टोबियस के डार्करॉय को लियोन के कितने पोकेमॉन हरा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लियोन के डार्करॉय को चारिज़ार्ड हरा सकता है, मतलब जिगंटामैक्स फॉर्म में अगर चारिज़ार्ड आ जाए तो डार्करॉय को हरा सकता है। वैसे डार्करॉय भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, तुमने एनीमे में देखा होगा, चार पोकेमॉन से बैटल करने के बाद एस के सेप्टाइल से डार्करॉय हारा था, मतलब डार्करॉय भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो चारिज़ार्ड और डार्करॉय के बैटल में कोई भी जीत सकता है। और अगर ड्रैगापल्ट की बात करें तो ड्रैगापल्ट नहीं टिक पाएगा, एजिस्लैस तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हेक्सारस भी टिक पाएगा। तो अब बात करते हैं लैटियोस के बारे में, तो मुझे लगता है कि लैटियोस को चारिज़ार्ड तो हरा ही देगा, और शायद एजिस्लैस हरा दे, क्योंकि जैसे कि पता है कि एजिस्लैस एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और लैटियोस एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, तो शायद एजिस्लैस हरा दे। सो अगर तुम मेरा ओपिनियन मानो तो मेरे ख्याल से टोबियस के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वैसे ही टोबियस का डार्करॉय इतना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है कि चारिज़ार्ड हरा पाएगा या फिर नहीं हमें पता नहीं, और ये भी नहीं पता टोबियस के पास और कितना कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। तो बस यार, मेरे ख्याल से तो टोबियस ही जीतेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि लियोन के जीतने के चांसेस नहीं है, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम किसको सपोर्ट करोगे। और बस यही थी आज की वीडियो, आई जस्ट होप कि तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख़त्म, बाय बाय, टाटा।